हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ईश्वरा विजय एंड आई एम बैक विद एन अनदर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे फाइंड आउट कर लें। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो मैक्सिमम आपसे जो क्यूब फाइंड आउट कर पाएंगे वो 99 तक के नंबर्स होंगे। बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे हमारे नंबर्स 99 अबव जाते हैं। अब क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिली होगी, जहाँ पे आपको चार डिफरेंट ट्रिक्स सिखाई होगी। जैसे नंबर स्टार्टिंग विथ वन, ट्रिक नंबर वन, जिसमें ये बोला गया होगा कि अगर 11, 12, 13, टिल 19, मतलब जो भी नंबर वन से स्टार्ट हो रहे हैं उनका क्यूब कैसे फाइंड आउट करें। ट्रिक नंबर टू, अगर कोई भी नंबर वन से एड हो रहा है, जैसे 11 या फिर 21, 31, टिल 91, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। ट्रिक नंबर थर्ड, अगर दोनों डिजिट सेम है, 11 इसके अलावा 22, 33, टिल 99। फिर फोर्थ ट्रिक होगी जिसमें रिमेनिंग अदर नंबर, जैसे 23 हो गया, 45 हो गया, 52 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स की ट्रिक बताई गई होगी। बट सिर्फ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए चार डिफरेंट ट्रिक्स याद करना, ये तो अच्छा आइडिया नहीं है। अब क्यूब को सीखने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज को जानते हैं और फिर एक सिंगल ट्रिक सीखेंगे जिससे कोई सा भी नंबर दिया गया आप उसका क्यूब फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक जानने से पहले, जैसा कि मैंने ये कहा कि हम बेसिक सीखेंगे, तो बेसिक में आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। वो क्या? आपको सबसे पहले तो 1 से लेके 9 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। दूसरी कि अगर हम इनके यूनिट प्लेस की बात करें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है, एक्सेप्ट 2, 3 एंड 7, 8। इन चार नंबर्स को छोड़ दे तो जिस नंबर का हम क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है हमको आंसर में भी वही यूनिट प्लेस पे मिल रहा है। जैसे 1 का क्यूब फाइंड आउट करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिला? 1। 4 का क्यूब फाइंड आउट करने पे यूनिट प्लेस पे मिला 4। सिमिलरली 5, 6 एंड 9। अब बात करते हैं इन चार नंबर्स की जो हमने छोड़ दिए थे। अगर आप बात करेंगे 2 की, तो 2 का अगर आप क्यूब फाइंड आउट करते हैं आपको यूनिट प्लेस पे मिलता है 8, और अगर आप 8 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो आपको यूनिट प्लेस पे मिलता है 2। सिमिलरली 3 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो आपको यूनिट प्लेस पे मिलता है 7, और 7 का फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट प्लेस पे मिलता है 3। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की यूनिट प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी ट्रिक पे। हमारी ट्रिक कुछ ऐसे डिफरेंट ही नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, बट वही है जो हम स्कूल में सीखे हैं। स्कूल के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप सबने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो होती है हमारी ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? इट्स ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। हम इसी आइडेंटिटी को यूज करके, या फिर कह सकते हैं इसी रिजल्ट को यूज करके हम क्यूब फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसे कोई भी नंबर हुआ इन द फॉर्मेट ऑफ a एंड b, ठीक है, आपको इसका क्यूब फाइंड आउट करना है तो आपको किस तरीके से लिखना है? पैटर्न यही रहेगा, बस इन 3 को स्किप कर देना है। जैसे a क्यूब, देन a² b, देन ab² देन bq। यहाँ पे ऑब्लिक इसलिए लगाया गया है ताकि हम ये समझ सके कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस लेनी है। बाकी अगर यूनिट प्लेस से ज्यादा, मतलब लाइक 2 डिजिट नंबर आता है, 3 डिजिट नंबर आता है, तो सिंपली यूनिट प्लेस लेके बाकी सबको क्या कर देना? कैरी फॉरवर्ड कर देना। एग्जाम्पल से समझे इसे, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि हमें क्यूब फाइंड आउट करना है 52 का। यहाँ पे अगर मेरी a की बात करें तो a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 2। मेरे स्टेप्स कैसे हैं वो लिखते हैं। पहला स्टेप, इनकी वैल्यूज लिखना। a क्यूब 5 का क्यूब, दैट इज 125। नेक्स्ट a² b, 5 का स्क्वायर 25, 20 50 प्लस
यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या लिखना है? अब नेक्स्ट है ए बी स्क्वायर, मतलब की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए मतलब 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब दैट इज 8। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमें इन दो वैल्यूज का डबल करना होता है, इन दो वैल्यूज का आपको डबल करना है और इन्हीं के नीचे लिख देना है, मतलब 50 का डबल इट्स 100, 20 का डबल इज 40, एंड सिंपली हम जैसे ऐड करते हैं वैसे आपको ऐड कर देना है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे तो कोई हेडेक है नहीं, 8 सिंगल डिजिट है तो हमने एज इट इज लिख लिया। इसको ऐड किया, 20 प्लस 40 कितना है? 60। 60 में अब हमें अगेन यूनिट प्लेस लेनी है, तो 0 लिया एंड 6 आपका क्या चला गया? कैरी फॉरवर्ड चला गया। यहाँ पे कितना हो गया? 50 प्लस 100 150, 150 प्लस 6 156, तो 6 यहाँ पे लिखा और बाकी का हमारा क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। 125 प्लस 15 यू विल गेट 140 एज योर आंसर। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपके यूनिट प्लेस पे क्या था? 2, तो आपको आंसर में यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए था? 8, और यहाँ पे मिल भी रहा है। तो हमें अगर यहाँ पे लिखना हुआ 52 का क्यूब, तो वो आपका क्या होगा? इट्स 140608 इज योर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम समझ सके। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 45 का। 45 का आपको क्यूब लिखना है। अगेन पैटर्न क्या रहेगा? ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब लिखे फटाफट से। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। पैटर्न इसी पैटर्न में लिखना है। 64, 4 का क्यूब, देन ए स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80। नेक्स्ट बी स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, और बी क्यूब मतलब 125। अब क्या था? डबल करके लिखना है 160 और यहाँ पे आ जाएगा 200 एंड नॉर्मली ऐड कर देना है। अब यूनिट प्लेस लेनी है तो 5 आया, बाकी का क्या हो गया? आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे आपका क्या आया? 2 आया, बाकी का क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे 1 आया, बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड यू विल गेट योर हियर 91। 5 यूनिट प्लेस पे 5, तो आपका आंसर क्या आ गया? 45 का क्यूब आपके पास आ गया, इट्स 91125। ठीक है, ऐसे हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज जो हम यहाँ पे सीख लेते हैं ताकि हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब क्यूब अगर हमें किसी भी नंबर का निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स क्यूब, एक्स हमारा कोई भी रैंडम नंबर हो गया। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर। तो जब भी हम बात करेंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की, लाइक 30, 31, ये मेरे क्या कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 31, 32 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, इनकी बात करेंगे तो इनके क्यूब का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 3x स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज अप्लाई होगी सेम बेस में अप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे 30 का क्यूब की बात करें तो आप इजीली लिख लेंगे इट्स 27,000। यहीं से अगर आपको 31 का क्यूब लिखना हुआ तो इन दोनों के आंसर्स में अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस होना चाहिए? 3x स्क्वायर के डिफरेंस होना चाहिए। 3x स्क्वायर, यहाँ पे बेस आपका क्या चल रहा है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपने कहा 30 का स्क्वायर होता है 900, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आए 2700, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं 3000 के। तो बस इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 3000 का होगा। सिमिलरली इन दोनों में भी 3000 का होगा एंड आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे जो ये डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा? एड होता जाएगा और आप यहाँ से अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो रेंज आई है वो करेक्ट है कि नहीं है। ये वाली चीजें हमारे काम आएंगी क्यूब रूट्स में भी, जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम ये जानेंगे कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको उन वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।